वेलकम टू फिजियोथेरेपी जुनून चैनल। और आज हम आपको एल्डरली पेशेंट्स के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस बताना चाह रहे हैं, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। क्या है इनसे, आपको क्या फ़ायदे होते हैं, आपकी मोबिलिटी, आपकी पुरानी कोई बीमारी है उसको इम्प्रूव, उसमें रेंज ऑफ मोशन लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इससे आपको नींद आने में भी ये सहायक होती हैं, आपका माइंड रिलैक्स करती हैं, आपका माइंड एक्टिव करती हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर ब्लेड स्क्वीज एक्सरसाइज। इसमें आपके दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट रहेंगे। आप ये पोजीशन स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, आप ये एक्सरसाइज सिटिंग में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे सामने की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। एक थेराबैंड आप ले लें, उसको आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आपके दोनों शोल्डर एक दूसरे से दूर जाएंगे। 5 to 10 seconds के लिए आप वेट करें, फिर दोबारा से छोड़ दें। फिर 5 to 10 seconds के लिए वेट करें, फिर दोबारा से छोड़ दें। आप इसके लिए येलो थेराबैंड, ग्रीन थेराबैंड, इनमें से आप कोई भी थेराबैंड यूज कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज विच इज फॉरवर्ड पंच। इसमें आप क्या करेंगे, आप थेराबैंड को ऐसे लेंगे, आप एक हाथ को आगे की तरफ खींचेंगे, फिर दूसरा हाथ, फिर एक हाथ, फिर दूसरा हाथ। ये भी आप होल्ड करेंगे 5 to 10 seconds के लिए और फिर रिलैक्स कर देंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास थेराबैंड नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये लीजिए, अपने हाथ आगे खींचिए, 1 2 1 2 1, इस पोजीशन पे मेंटेन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप अपने दोनों हैंड ऐसे फुल स्ट्रेच कीजिए। अब आप यहाँ पे सर्कल बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप सर्कल बनाते जाएंगे, उसको बड़ा करते जाएंगे, उसको और बड़ा करते जाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। एक बार आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, एक बार आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ये सेम आपको 10 to 15 times रिपीटिशन करना है। होल्ड करना है पोजिशन को जहाँ पर भी आप पेन महसूस करें। पेन होने के बाद आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, वहीं आपको कट कर देना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बताती जा रही हूँ, इनका सेम मेन मोटिव क्या है कि आपको रिलैक्स करना, आप अपनी बॉडी को हार्म ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगे, आप वहीं पे रुक जाएं। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आप क्या करेंगे, आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेंगे। चेयर है तो चेयर का सपोर्ट लीजिए, अगर आप ऐसे विंडो के पास खड़े हैं तो विंडो का सपोर्ट लीजिए। शोल्डर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर आप क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप सर्कल दोनों हैंड से बनाएंगे। दोनों हैंड्स को यूज कीजिए। ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने हाथ का पूरा डिस्टेंस लीजिए, दीवार के साथ, खिड़की के साथ, जहाँ भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पूरा डिस्टेंस लीजिए। उसके बाद आप अपने शोल्डर लेवल से अपवर्ड जाना शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे फिंगर से, जहाँ तक आप जा सकते हैं आपके हाथ में ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए। उसके बाद आप वहीं होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आप धीरे 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 वापस लेके आएंगे। इस पोजीशन में आप ब्लास्ट में रेस्ट कीजिए, या आप रिपीट कर सकते हैं 2 to 3 times। और आप ध्यान रखें, अगर आपको इसमें भी पेन हो रहा है, यू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, चेक योर शोल्डर, और अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर चेक करवाइए। और ये रिपीटेशन आप 2 to 3 times कर सकते हैं, और 10 to 15 seconds आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। अब हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे कि आपको हाथ अपने ऐसे आगे रखने हैं, फिर आपको पीछे की तरफ पुल करना है, ये फिर से ऐसे। ये एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, आपको ये स्ट्रेच करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स,
फिर नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, फिर आप ये स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, फिर आप दूसरे हैंड की तरफ करेंगे। ये स्ट्रेचेस भी आप घर पे कर सकते हैं रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए। थैंक यू सो मच।